हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो. और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पेरिस में आखिर टूरिस्ट के साथ क्या क्या स्कैम होते हैं, और इनमें से कुछ स्कैम तो हमारे साथ भी हुए हैं हमारी प्रीवियस ट्रिप में, और इनफैक्ट इस ट्रिप में भी एक स्कैम तो ऑलमोस्ट होने ही वाला था. सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या स्कैम पॉसिबल है. तो आप ध्यान रखिए जब आप पेरिस आ रहे हैं, ताकि आप इन स्कैम में फंस ना जाए. सो नाउ लेट्स गो. ऐसे तो पेरिस बहुत ही सेफ सिटी है, पर यहाँ पे जो स्कैम्स होते हैं ना, वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं. यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्कैम्स होने के जो काउंट्स हैं वो भी हमेशा हाई नंबर पर आते हैं. बट आखिर यहाँ पे कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट जो वेरी कॉमन स्कैम है, और ये स्कैम ना मेरे पापा के साथ हुआ था जब वो पेरिस आए थे. हम लोग आईफल टावर में घूम रहे थे, आईफल टावर के आसपास, और एक लड़की आई और उसने एक रिंग नीचे गिरा दी, गोल्ड रिंग. और इस स्कैम को नाम भी देते हैं, चलो गोल्ड रिंग स्कैम. तो रिंग गिरा दी, और फिर मेरे पापा ने देखा कि उसकी रिंग गिर गई, तो पापा उठा के देने लगे. एंड देन शी ट्राइज टू एंगेज, और आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं. और ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि आपने पैसे नहीं दिए, बट पीछे उसकी पूरी गैंग होती है, तो वो आपको बातों में एंगेज करके आपके कोई भी सामान चुरा सकते हैं. थैंकफुली मेरे पापा के को सिर्फ इंगेज किया और कोई सामान नहीं उनका चुराया, क्योंकि मैं और मम्मी वहीं आसपास खड़े थे. सो देन वी वर मच मोर केयरफुल, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्कैम दैट यू शुड बी केयरफुल ऑफ. अब बात करते हैं एक और स्कैम की, और वो है फ्रेंडशिप बैंड स्कैम. ये पेरिस में नहीं, बहुत सारी और सिटीज़ में भी होता है यूरोप की. मिलान में तो ये बहुत होता था. तो एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था कि उसको फ्रेंडशिप बैंड बांधा, और उसके बाद उससे बोला कि फ्रेंडशिप बैंड बांधा है तो अब पैसे दो. उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है. बट थोड़ी सी वो हाइट में भी छोटी थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उससे बोला, उससे उसके पीछे पड़ गए, नहीं अब तो कुछ तो देना ही पड़ेगा. तो उसने अपना पर्स निकाला, और जैसे पर्स निकाला ना, तो पर्स लेके या तो वो लोग भाग जाते हैं, या फिर पर्स में से कैश निकाल के बोलते हैं हम ये सब हमारे. सो दैट इज द अनदर स्कैम दैट यू शुड बी केयरफुल. जैसे ही कोई फ्रेंडशिप बैंड लेकर आए ना, जस्ट डोंट इवन इंगेज, दैट्स द की. आप अपना चलते जाइए, कोई रिस्पॉन्स मत दीजिए. सो दैट इज द की. नहीं तो अभी ये ट्रिक है, कुछ और ट्रिक इसी से आगे बढ़ जाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कैम की, और मेरे चेहरे पे आप स्माइल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इसी ट्रिप पे सौरभ के साथ हो रहा था. सोचिए हम इतना केयरफुल थे, हमें सब कुछ पता था, तो भी द ट्रिक यू. सो ये स्कैम को नाम देते हैं साइन द पिटिशन स्कैम. तो यूजुअली ना इन सारे स्कैम्स में ऐसा मत सोचिएगा कि वुमेन नहीं इन्वॉल्व होती है. तो ये स्कैम में तो आई जो लड़की थी, वो आई, उसके पास एक पिटिशन था, और उस पर वो बोलती है सिर्फ आप पिटिशन को साइन कर दीजिए, दैट्स इट, आपको यही चाहिए, सिर्फ साइन करना है. और जो मनी का कॉलम होता है ना, उसे हाइड करके रखती है. फिर जैसे ही आप साइन करेंगे ना, तब वो पीछे पड़ जाती है, लड़ाई करने लग जाती है. तो चलो इतना तो नहीं हुआ हम लोगों के साथ, बट सौरभ पिटिशन साइन करने लगा. एंड मैंने कहा, मुझे हंसी आ गया कि यार सौरभ ये तो स्कैम है, ये कैसे सौरभ. और मैं, ये कहाँ हो रहा था, हमारे साथ नॉटर डैम में, और मैं थोड़ा दूर थी. तो जब तक मैं आई, क्योंकि ये ट्रिक होता है ना, तो आपको पता ही चलता है. और मैं जब दूर से वापस आई, तब तक मैं देखा, मेरे का सौरभ ये स्कैम है भाई, इधर नहीं करना है साइन. सो यू हैव टू बी केयरफुल, कोई भी पिटिशन पे साइन नहीं करिए, क्योंकि वो एक स्कैम है, और आपसे फिर बाद में झगड़ेंगे वो पैसे के लिए. सो डोंट डू दैट. अब बात करते हैं एक और स्कैम की, और इसको नाम देते हैं रोज़ स्कैम. तो या ये वैसे बहुत सारी सिटीज़ में होता है, और आपको रोज़ देंगे या आपके पार्टनर को रोज़ देंगे, और आपसे पैसे मांगने लगेंगे, और ज़बरदस्ती आपके हाथ में रोज़ पकड़ा देंगे. वैसे तो ये पेरिस का में भी बहुत होता है, बट और भी सिटीज़ में होता है. सो बी केयरफुल, आपको रोज़ मत लीजिए, और अगर चाहिए तो ले लीजिए, बट जैसे ही वॉलेट निकालेंगे ना, तो फिर ज़्यादा पैसे मांगने लगेंगे. सो आपको अगर कुछ फ्लावर चाहिए, तो मे बी शॉप से ले लीजिए, क्योंकि दैट इज़ मच मोर सेफ.
Now let's talk about another scam. और ये तो इतना old scam है ना, but तो भी सब इसमें फंस जाते हैं. ये इसको बोलना चाहिए cup game वाला जो scam होता है. तो इसमें क्या होता है कि वो आपको trick दिखाते हैं कि देखिए ये cup में हमने रखा है, और फिर आप जो उनसा cup में बताएंगे कि पैसे हैं तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे. And उनका full gang होता है. तो आप पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, आपको लगेगा अरे वाह ये तो पैसे जीतता जा रहा है, और फिर आपको लगेगा आपको भी इसी में ही फिर लगाना चाहिए पैसे, तो आप पैसे लगाने लग जाएंगे. एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ये उसके साथ वो जितने पैसे जीत रहा था ना, आप उतने पैसे कुछ नहीं जीत पा रहे हैं. सो बहुत ही रिस्की वाला है ये तो, और बहुत ओल्ड है, और पेरिस में ही नहीं ये भी हर जगह होता है. तो बी वेरी केयरफुल. और इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग ना गैंग बना के रखते हैं, इसका मतलब बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है जस्ट टू सी द ट्रिक. तो जो भीड़ हो जाती है ना इकट्ठी, तो वहाँ पे और जो दूसरे चोर लोग होते हैं वो आ जाते हैं और आपका वॉलेट लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो इस स्कैम में नहीं फंसिए, और इस स्कैम के भीड़ में से कोई चोरी करके ले जाए उसमें मत फंसिए. वैसे ही जब मैं बात कर रही हूँ भीड़ की, तो ये तो सिर्फ एक ही ट्रिक है जिसमें बहुत भीड़ हो जाती है, बट और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कोई बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा है या कोई स्ट्रीट पे डांस कर रहा है, सो दे आर रियली गुड पीपल, बट क्योंकि भीड़ हो जाती है तो जो चोर होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं. वो आपका कुछ सामान पीछे पॉकेट से चोरी कर लेंगे या आपके पर्स में से निकाल लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका बैग खोल के उसमें से निकाल लेंगे. सो वो सब चीज़ों के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. सो दिस इज़ अनदर स्कैम दैट यू शुड नॉट फॉल फॉर. Nowadays एक और बहुत बड़ा स्कैम जो फेमस हो रहा है, और उसको बोलते हैं ATM स्कैम. तो यहाँ यूरोप में जो ATM होते हैं ना, वो वॉल में लगे रहते हैं. इंडिया जैसा नहीं होता है कि केबिन के अंदर ATM हो, AC हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, यहाँ ऐसी वॉल में एक आपको ATM मिल जाएगा. और प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ओपन है तो कोई इंसान खड़ा होगा और वो पहले आपसे इंटरेक्शन करेगा, बोलेगा हाँ ये ATM चल नहीं रहा है, आप ट्राई कर लीजिए शायद आपका चल जाए. सो यू विल ट्राई कि आपका शायद चल जाए, और जैसे ही आप उसमें पिन विन डालेंगे ना, वो देख लेगा और फिर आपका ATM लेके भाग जाएगा, और फिर पिन तो पता चली गया तो निकाल लेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप उनको बोल सकते हैं कि भाई अभी आप दूर होइए, मुझे अपना पिन डालना है, या अपना हाथ ऐसे रख के फिर पिन डालिए ताकि किसी को पिन दिखे नहीं. शर्माइएगा मत, अगर कोई खड़ा है तो आपको लग रहा है कि हम नहीं बोलें, इट कैन साउंड रूड, दैट इज़ फाइन. आप जस्ट बोल दीजिए कि आप दूर जाइए, मुझे अभी यहाँ पे तुम मत खड़े रहो. पेरिस में आप इतने सारे कैफ़ेज़ देखेंगे कि आप, और डेफिनेटली आपका मन करेगा कि आप बाहर जैसे हम बैठे हैं ऐसे कैफ़ेज़ में बैठ कर या तो ब्रेकफास्ट करें या लंच करें या डिनर करें. और होता क्या ऐसे, आप अपने आते हैं और अपना मोबाइल ऐसे रख देते हैं या फिर बैग ऐसे रख देते हैं जैसे ये रखा हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं, जो चोर होते हैं, वो आपका ऐसे ही आएंगे और आपका मोबाइल ऐसे लेके भाग जाएंगे या बैग लेंगे और भाग जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप ऐसे स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, टेरेसेस पे बैठे हुए हैं और बाहर आउटडोर में और खाना खा रहे हैं, तो अपने मोबाइल को अपने पास रखिए और अपने बैग को भी अपने विसिनिटी में इधर रखिए या अपने लैप पे रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट कीप योर मोबाइल लाइक दिस, क्योंकि कोई भी आएगा और भाग के इसको उठा के भाग जाएगा. नेक्स्ट जो स्कैम है वो है प्रेग्नेंट वुमेन स्कैम. और ये है ना, दो बार हुआ है ट्रिप में. तो इसमें क्या होता है कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होगी, अब पता नहीं असली में है या नहीं है, सो वो प्रेग्नेंट होगी और फिर उसके हाथ में कुछ पेपर्स होंगे, तो उसके पेपर्स गिर जाएंगे. अब बिकॉज ऑफ कर्सी, अब शी इज़ प्रेगनेंट, यू विल बी लाइक लेट्स हेल्प हर आउट. तो आप उसको हेल्प करने लगेंगे, आप पेपर वेपर उठाने लगेंगे, और आप जैसे ही पेपर उठाने के लिए लगेंगे आपका ध्यान भटक जाएगा, आपका पर्स इधर चला जाएगा, या आपके पॉकेट में अगर आपने पीछे जीन्स में रख रखा है आपका पर्स, तो उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो वॉलेट निकाल लेंगे, और आपका पर्स अगर इधर है तो वो पर्स लेके भाग जाएंगे. सो दी होल आइडिया इज़ कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, एंड देन उसका गैंग हेल्प करेगा और लेके चला जाएगा. सो ये भी ना, दो बार ऐसा स्कैम हो चुका है. जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरे फ्रेंड के साथ, और मैं वहीं खड़ी थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू रियलाइज इट कि ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि मैं भी पेपर उठाने में बिजी थी और मेरा फ्रेंड उन्होंने रखा हुआ था अपना वॉलेट अपने जीन्स के बैग पे, उसका वॉलेट निकाला एंड वो भाग गए, और वो प्रेगनेंट वुमेन में भाग गई, एंड हम पेपर उठाते रह गए. सो बी वेरी केयरफुल.
एक और स्कैम है जिसे बोलते हैं मेट्रो स्कैम. तो उसमें आप मेट्रो के टिकट्स के या तो लाइन में खड़े होंगे या आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ी लाइन है तो इसलिए आप परेशान हो रहे होंगे, या आपको जो सेल्फ सर्विस मशीन है वो चालू करते नहीं आती होगी या चलाते नहीं आ रही होगी. तो फिर लोग खड़े होंगे, वो बोलेंगे आप हमसे ये टिकट ले लीजिए और ये टिकट यूज़ करके चले जाइएगा. तो यू विल बी लाइक कि अच्छी बात है, उस बंदे को नहीं चाहिए, मैं ले लेता हूँ. तो आप जैसे ही वो टिकट लेंगे ना वो टिकट इनवैलिड होगी एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो इसलिए किसी से भी टिकट मत लीजिए, या मेट्रो में मत लीजिए. और कई बार तो क्या होता है ना, लूवर म्यूजियम के जैसे बाहर भी खड़े होकर लोग टिकट्स दे रहे होते हैं, मत लीजिए क्योंकि इट कैन बी रिस्की. वो टिकट इनवैलिड होगी और आप जाएंगे लूवर म्यूजियम के अंदर और उसमें आपका टिकट ही नहीं चलेगा, या आप मेट्रो के अंदर जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे आपका टिकट ही नहीं चलेगा. सो किसी से भी टिकट्स बाहर से मत लीजिए, जहाँ से टिकट मिलती है वहीं से टिकट लीजिए, चाहे उसके लिए आपको बड़ी क्यू में खड़ा होना पड़े. तो ये थे सारे स्कैम्स जो मुझे पता है या मेरे फ्रेंड्स के साथ हुए या मेरे खुद के साथ हुए, या जैसे इस ट्रिप में तो वापस से हो गए थे, सौरभ के साथ ऑलमोस्ट हो ही गया था. सो इन सारे स्कैम्स को लेकिन सुन के आप ये मत सोचिए कि अरे कितना अनसेफ है, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर. अगर आप किसी सराउंडिंग में हैं और आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि कुछ सेफ नहीं लग रहा है, सो उस जगह से आप निकल जाइए, वहाँ पर मत रहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक टिप है, अपने पर्स को, वॉलेट को कभी भी बैक पॉकेट में मत रखिए. और अगर आप पर्स कैरी करते हैं तो उसमें कैश मिनिमम ही रखिए कि अगर वो चला भी जाए ना सो यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी एंड सैड अबाउट इट. जितना कम चीज़ें लेके चले पर्स में उतना ही अच्छा है. और होल्ड टाइट करके रखिए, चाहे अपना फ़ोन हो, क्योंकि वो फ़ोन भी ऐसे ही ना छीन के ले जाते हैं, तो अपना फ़ोन को भी ऐसे टाइट पकड़ कर ही रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अननेसेसरी लोगों से इंगेज मत करिए. लोग हिंदी में भी बात करेंगे और आपको बोलेंगे और आपको लगेगा आप यू विल बी इम्प्रेस्ड, कह रहे ये हिंदी में कैसे बात कर रहा है. डोंट गेट इंगेज्ड, इतना अनसुना कर दीजिए कि आपने सुना ही नहीं. जस्ट वॉक थ्रू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो अगर आप एक बार इंगेज हुए, एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए, सो यू विल बी देयर टारगेट. और जैसे मैंने बताया है ऐसा होता है, मेरे पापा के साथ हुआ आज इस ट्रिप में, सौरभ के साथ हुआ, मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका था जब मैं पहले ट्रिप में आई थी, हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है. सो बी अवेयर ऑफ वॉट आर दी स्कैम्स एंड बी केयरफुल वेन यू आर इन पैरिस और एनी अदर सिटी ऑफ यूरोप. स्पेसिफिकली पैरिस में तो ये सब हो ही रहा है, बट अगर आप किसी और सिटी में जाएंगे, जैसे मिलान में भी ये सब चीज़ें बहुत होती है, या आप बार्सिलोना में जाएंगे ना, वहाँ तो इतने पिक पॉकेटर्स हैं, हर जगह लिखा हुआ है. इनफैक्ट आइफिल में आपको लग रहा होगा आइफिल के ऊपर जा रहे होंगे तब तो कहाँ पिक पॉकेटर्स आएंगे, बट वहाँ आइफिल में भी लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, क्योंकि वो लोग इतने अभी ट्रेंड हो चुके हैं कि वो लोग जाते हैं और अपन पिक्चर्स खींच रहे होते हैं आईफल के ऊपर से और वो मस्त वॉलेट निकाल लेते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल एंड एन्जॉय योर ट्रिप. अगर आपके साथ इनमें से कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इसके अलावा कोई स्कैम हुआ है तो पक्का बताइएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि ऐसा कुछ स्कैम होता है एंड दे कैन बी मोर केयरफुल. आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज और रील्स और पोस्ट डालते हैं विच यू विल एन्जॉय. सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.